Good morning class. This is our new ana physio class in which today we will study about the remaining portion of female, introductory portion of female reproductive system, in which we will study about the ovaries and क्या बच गया अपना इसके बाद ओवरी के बाद ब्रेस्ट बच गया भाई जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है फीमेल के अंदर मेन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन तो वो हमारा पोर्शन बच जाता है क्योंकि हमने देखे भाई वेजाइना सर्विक्स हो गया है यूट्रस हो गया ओवी डक्ट हो गया तो वो ओवरी बची है जो अभी पढ़ लेते हैं ओवरी फीमेल गोनैड होती है मतलब वो ग्लैंड जो कि सेक्स हॉर्मोन्स और ओवा को प्रोड्यूस करेगी ये शैलो पैल्विस की लेटरल वॉल पर शैलो फोसा में पाई जाती है पैल्विस की लेटरल वॉल पर शैलो फोसा में पाई जाती है और सेक्स हॉर्मोन और ओवा का प्रोडक्शन करती है इसको अपन फीमेल गोनाड कहते हैं 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर लंबी 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी होती है ये हर एक जो है वो यूट्रस के अपर पार्ट पर जुड़ी होती है ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा और पीछे से ये ब्रॉड लिगामेंट तक रहता है ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ी है ये यूट्रस से और ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा ब्रॉड बैंड ऑफ टिश्यू के द्वारा ये मीजोवेरियम बना रही है वहाँ से जुड़ी हुई मीजोवेरियम बैक में ये ब्रॉड लिगामेंट के पीछे ब्रॉड लिगामेंट के बैक में ब्रॉड बैंड टिश्यू से जुड़ी है मीजोवेरियम के द्वारा इसकी ब्लड वेसल्स और नर्व जो हैं वो ओवरी से पास होती हैं मीजोवेरियम के ही द्वारा इसकी ब्लड वेसल नर्व्स मीजोवेरियम के द्वारा पास होती हुई यहाँ तक पहुँचती है इसकी स्ट्रक्चर 2 लेयर का टिश्यू है ये याद कर लीजिए भाई ओवरी टेस्टिस ये 2 लेयर के टिश्यू होते हैं इसलिए इसके अंदर मैं आपको जब सेकेंड ईयर में कैंसर पढ़ाऊंगी तब इससे जुड़ी हुई चीज़ कुछ बताऊंगी वहाँ मैं आपसे पूछूंगी भाई ये कौन से ऑर्गन्स थे तो वहाँ पर आपको ये आंसर देना है इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए अब मेड्यूला जो है इसका दे लाई इन द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ भाई देखिए ओवरी की स्ट्रक्चर में हमने कहा 2 लेयर के टिश्यू है जिसके 2 पार्ट होते हैं मेड्यूला और कॉर्टेक्स मेड्यूला सेंटर में और मेड्यूला कवर किया हुआ कॉर्टेक्स मेड्यूला सेंटर में होता है जो किसका बना है फाइब्रस टिश्यू ब्लड वेसल्स और नर्व्स का बना होता है मेड्यूला फाइब्रस टिश्यू ब्लड वेसल्स और नर्व्स का बना होता है कॉर्टेक्स मेड्यूला को सराउंड किए हुए रहता है ये कनेक्टिव टिश्यू का फ्रेमवर्क है कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रोमा का जो कि जर्मिनल एपिथीलियम के द्वारा कवर्ड रहता है इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं अलग अलग स्टेजेस मतलब मैच्योरिटी के अलग अलग स्टेज भाई कोई अभी प्रिमिटिव स्टेज में है कोई मैच्योर हो गया है कोई मैच्योर हो रहा है कोई ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से बन चुका है तो इस तरह से इसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल पाए जाते हैं हर एक के अंदर एक ओवा होता है हर एक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर एक ओवा पाया जाता है तो कॉर्टेक्स मेड्यूला का सराउंड किया हुआ रहता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा रहता है जो कि जर्मिनल एपिथीलियम के द्वारा कवर्ड रहता है ओवरी का फंक्शन क्या है भाई ओवरी वो ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी स्टोर करेगी डेवलप करेगी ओव्यूलेशन से पहले ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूल का निकलना ओव्यूल क्या है फीमेल गैमेट है उस ओव्यूल को स्टोर और डेवलप करने का काम जो है ओवरी का होता है दूसरा ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा इस ओव्यूल के मैच्योरेशन को भी कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के हेल्प से ये ओवम के मैच्योरेशन को भी कंट्रोल करेगी तो ये ओवरी हमने पढ़ी 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर लंबी है 2 सेंटीमीटर चौड़ी है 2 लेयर्स होती हैं इसके अंदर 2 लेयर स्ट्रक्चर होती है इसमें मेड्यूला कॉर्टेक्स पाते हैं मेड्यूला सेंटर में कॉर्टेक्स उसके चारों तरफ और इसके फंक्शंस भी 2 हमने पढ़ लिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेस्ट ओवरी कंप्लीट हो गया नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट जिसको आप मैमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं साइंटिफिकली ये एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हालांकि ये मेल में भी पाई जाती है पर रूडिमेंटरी फॉर्म में पाई जाती है मेल के अंदर भी ब्रेस्ट होती हैं पर रूडिमेंटरी फॉर्म में होती है इसकी स्ट्रक्चर मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट जो है वो खूब सारे ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी होती है जिसका काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन खूब सारे ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसका काम क्या है मिल्क का प्रोडक्शन
मिल के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट बताई गई है। पहले तो ये फैट की इस पर कवरिंग पाई जाती है, ये अंदर लॉब्यूल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू से घिरे हुए लॉब्यूल्स। इसके लॉब्यूल्स जो हैं वो डक्ट्स में खुल रहे हैं और डक्ट्स जो हैं वो निप्पल में खुल रहे हैं, जो कि बाहर मिलकर डिस्चार्ज करेंगे। और उसके चारों तरफ के डार्क एरिया को, निप्पल के चारों तरफ के डार्क एरिया को क्या कहते हैं, एरियोला, जो कि ब्राउन पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको एरियोला कहा जाता है। और ये डक्ट्स जहाँ पर कि लैक्टेशन का प्रोसेस चलेगा, जो ग्लैंड है ये अपना सीक्रीशन, ये जो लॉब्यूल्स है अपना सीक्रीशन इन्हीं डक्ट्स के अंदर डालती हैं। हर एक ब्रेस्ट के अंदर लगभग 20 लोब्स पाए जाते हैं और हर एक के अंदर खूब सारे ग्लैंडुलर, हर लोब के अंदर खूब सारी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप लॉब्यूल्स कहते हैं, जिनमें मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। हर एक ब्रेस्ट में लगभग 20 लोब्स और हर एक लोब में खूब सारे लॉब्यूल्स जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। लॉब्यूल्स लैक्टिफेरस डक्ट में खुलते हैं और उसी के द्वारा मिल्क जो है वो निप्पल की तरफ ड्रेन होगा। लैक्टिफेरस डक्ट में लॉब्यूल्स खुलते हैं जिसमें मिल्क ड्रेन होगा। ब्रेस्ट खुद जो है वो सबक्यूटेनियस फैट से कवर रहती है, ब्रेस्ट पर सबक्यूटेनियस फैट की कवरिंग होती है। लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू प्रोलिफेरेट ज़्यादा होते हैं नॉर्मल ब्रेस्ट के कंपैरिजन में। लैक्टेटिंग ब्रेस्ट मतलब जो कि अभी जो मदर बच्चे को अभी दूध पिलाएगी वो लैक्टेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो मिल्क प्रोडक्शन वाली ब्रेस्ट जो होती है लैक्टेटिंग ब्रेस्ट होती है अनमैरिड गर्ल्स के ब्रेस्ट के कंपैरिजन में। लैक्टेटिंग ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसमें प्रोलिफरेशन हो जाता है, प्रोलिफरेशन मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू का नंबर बढ़ेगा, उसको अपन हाइपरप्लेसिया कहते हैं। हाइपरप्लेसिया मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, ताकि अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन हो सके। और ये लैक्टेशन एंड रिसीड्स अगेन आफ्टर लैक्टेशन स्टॉप। तो पहले जिस समय लैक्टेशन होना है उस समय ग्लैंडुलर टिश्यू अच्छे से प्रोलिफरेट हो जाते हैं, जब लैक्टेशन स्टॉप हो जाता है तो ये वापस जो प्रोलिफरेशन है वो रिसीड हो जाता है, वो चीज़ें रुक जाती है, उतना उसका नंबर नहीं रहता जैसा पहले रहता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है निप्पल, ब्रेस्ट से जुड़ी हुई। ये छोटी कॉनिकल एमिनेंस है, मतलब बाहर की आउटग्रोथ है, जो कि ब्रेस्ट के सेंटर में होती है और इसके चारों तरफ पिगमेंटेड एरिया पाया जाता है जिसको एरियोला कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। एरियोला की सरफेस पर खूब सारी सिवेशस ग्लैंड पाई जाती हैं जिनको मॉन्टेगो मैरीज ट्यूबरकल कहते हैं। ये लैक्टेशन के दौरान निप्पल को ल्यूब्रिकेट करने का काम करती है ताकि अच्छे से बच्चा जो है वो दूध पी सके। मॉन्टेगो मैरीज ट्यूबरकल, इस वर्ड को याद कर लीजिए, साइंटिफिक टर्म जो है ये याद कर लीजिए। फोर्थ ईयर के अंदर OBG के अंदर भी ये टर्म आएगी और वहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है, इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, निप्पल के चारों तरफ के डार्क पिगमेंटेड एरिया को एरियोला कहते हैं। इसमें खूब सारे सिवेशियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको आप क्या कह रहे हो, मॉन्टेगो मैरीज ट्यूबरकल कह रहे हैं। ये निप्पल को लैक्टेशन के दौरान ल्यूब्रिकेट करने का काम करते हैं। तो ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है निप्पल, उसके चारों तरफ एरियोला दिखाई दे रहा है और ये मॉन्टेगो मैरीज ट्यूबरकल हैं जो ग्लैंड्स हैं। अब ब्रेस्ट में ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज और नर्व सप्लाई देखिए। तो सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई ब्रेस्ट को जो है वो एक्सिलरी आर्टरी की थोरेसिक ब्रांचेस से ब्लड सप्लाई होता है, एक्सिलरी आर्टरी की थोरेसिक ब्रांचेस से ब्लड सप्लाई होता है और इंटरनल मेमोरी और इंटरकोस्टल आर्टरीज से भी इसको जो है वो ब्लड सप्लाई होता है। तो ये तो इसकी आर्टेरियल सप्लाई है, एक्सिलरी आर्टरीज, इंटरकोस्टल आर्टरीज वगैरह। वीनस ड्रेनेज जो है वो एनास्टोमोटिक सर्किल से बना होता है जो कि निप्पल बेस के चारों तरफ पाया जाता है, जहाँ से कि वीनस ब्लड जो है वो कैरी होता है, फ्रॉम विच ब्रांचेस कैरी द वीनस ब्लड टू द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस से वीनस ब्लड कैरी होता है और वो कैरी होकर के एक्सिलरी और मैमरी वेन के अंदर जाकर के ड्रेन होता है। वीनस ब्लड कैरी हुआ निप्पल के बेस के चारों तरफ से और फिर वो ड्रेन होता है एक्सिलरी और मैमरी वेन्स के अंदर। लिम्फ ड्रेनेज मेनली जो है सुपरफिशियल एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स में और नोड्स में होता है, सुपरफिशियल एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स और नोड्स में लिम्फ ड्रेन होता है। और नर्व सप्लाई ब्रेस्ट को फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ थोरेसिक नर्व की ब्रांचेस जो हैं वो सप्लाई करती हैं।
फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ थोरैसिक नर्व्स की ब्रांचेस ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही होती हैं। तो ये हमने पूरी एनाटॉमी जो ब्रेस्ट की है वो पढ़ ली। फिजियोलॉजी तो कुछ है ही नहीं इसकी भाई, लैक्टेशन है फिजियोलॉजी, तो केवल बच्चे को दूध पिलाना। लैक्टेटिंग मदर के अंदर ये एक्टिव होती है और अपना फंक्शन करती हैं। तो हमने अपनी आज की इस क्लास के अंदर ओवरी और ब्रेस्ट का जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही आपकी इंट्रोडक्टरी फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आपको कोई भी डाउट है जो सिंपल सा था छोड़, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, वो सारी चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। हो सकता है मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल जैसे टर्म्स हो सकता है मे बी कि आपके फर्स्ट टाइम आए हो, अदरवाइज तो बाकी सारे टर्म्स तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, तो वही सब चीज़ें अपन ने अभी अभी पढ़ी हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।